एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार में लिप्त कुल सचिव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस व्यवस्था के बीच हंगामा करते हुए कुलपति का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कुल सचिव कुर्सी की गरिमा और पद को तार तार कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए और सभी मामलों को लेकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, वरना वे उग्र आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। जी, यहाँ का कुल सचिव जब से आया है वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्राइवेट कॉलेज का संरक्षक हमारे छात्रों का गला घोट कर उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी अभी हमने एक आवेदन दिया था कि हमने जिसमें पीएचडी का जो है रिसर्च सेंटर बनाया गया प्राइवेट अशासकीय कॉलेज को, हमने उसकी मांग की थी कि वहाँ अवैध वसूली चाहिए 2 गुना 2.5 गुना, तो उनको रिसर्च सेंटर से हटाया जाए। पर पता नहीं इनको क्या पीड़ा होती है कि उनको रिसर्च सेंटर से हटाने की वजह उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है, उल्टा हम छात्र संघ जो सूरजपुर के हाई स्कूल भैयाथान में शासन के निर्देश के बाद स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चलाया गया। इसके तहत प्राचार्य लुसिया पन्ना के नेतृत्व में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े की मौजूदगी में कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अध्यापकों ने स्कूल परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की और स्वच्छता श्रमदान में अपना योगदान दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा लगातार यात्री गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा अचानक गाड़ी रद्द करने और ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री खासे नाराज नजर आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने से जितनी परेशानी दूर सफर करने वाले यात्रियों को होती है, उससे कहीं अधिक लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को भी हो रही है, जिनमें विद्यार्थी, दैनिक मजदूर व छोटे व्यापारी शामिल हैं। रेलवे के एक बार फिर तानाशाही देखने को मिला, जहां आज सुबह 50 ट्रेनों को रद्द कर दी गई है, जहां यात्रियों को काफी परेशानी देखने को मिल रहा है। लगातार ट्रेन रद्द होने के चलते यात्री परेशान तो हो रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं जाने के लिए आ गए थे। जब वहां पहुंचे उनको पता चला कि ट्रेन रद्द है, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं अधिकारियों से बात करने गए तो उनके एक ही कहना है कि विकास, जहां विकास के कारण लगातार अपने लापरवाही दिखा रहे हैं। देखना होगा कि अभी और आगे कितना ट्रेन रद्द करते हैं, ये भी देखने को होगा। A1 TV से घनश्याम गंधर्व की खास रिपोर्ट। बीते दिनों हुई बलौदा बाजार की घटना और प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं ने दुर्ग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार के 6 माह पूरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद बढ़ रही हिंसक और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने जांजगीर चांपा जिले में कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर शिव डहरिया के साथ जांजगीर पामगढ़ अकलतरा विधायक शामिल हुए। हम जांच दल के सदस्य भी रहे हैं, उस जगह में भी जांच करने गए थे तो हमने पाया जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। लेकिन ये तोड़फोड़ और आगजनी 1 मिनट का काम नहीं होता है, उसको घंटों लगे होंगे जलने में, उसको टूटने फूटने में। उन्होंने बैरिकेड्स क्यों मजबूत नहीं लगाया और बैरिकेड्स लगाए पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया? बहुत सारे संदिग्ध ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शासन नहीं दे पा रही है, प्रशासन नहीं दे पा रही है और अपने नाकामी को, अपने फेलियर को, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, उनको चमड़ी उघाड़ने तक मारपीट किया जा रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमने यहाँ पर धरना दिया है। नक्सली घटनाएं भी बढ़ी है, आदिवासियों को उधर नक्सलियों के नाम से मार दिया जा रहा है। प्रदेश में आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है।
तो इस सरकार को जगाने के लिए धरना आंदोलन एक घोषित किया जा रहा है और बलौदा बाजार में जिस तरह की घटना हुई उस तरह की घटना और कभी मत हो, ये हम लोग सरकार को चेता रहे हैं, पार्टी हमारी चेता रही है। और बलौदा बाजार में जो दोषी लोग हैं आप उनको अरेस्ट करिए, लेकिन निरपराध जो लोग हैं, सत्तावी समाज के लोग हैं, किसी को भी उठा के आप बंद कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार की नाकामी सामने आई है और जो बिल्डिंग है कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस वहाँ जला है, वो काली बिल्डिंग है, जली हुई सरकार की नाकामी सामने से बयान कर, बहुत बुरी स्थिति है। चाहे आप बलौदा बाजार की घटना ले लें, अमर गुफा की घटना ले लें, बस्तर की घटना ले लें, लगातार ये बुरी हालत यहाँ पर बनी हुई है। इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को अरेस्ट करने की जगह कई निर्दोषों को अरेस्ट कर उनको प्रताड़ित। बलौदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को नेहरू चौक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की अगुवाई में किया गया। प्रदर्शन में बिलासपुर संभाग के बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बलौदा बाजार घटना को लेकर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। आंदोलन तब होता है जब संवेदनशीलता सरकार की खत्म हो जाती है। जब हम किसी जायज मांग को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उन अधिकारियों का जो रवैया होता है वो सबसे निराशाजनक होता है। वो एक कुत्ते बिल्ली टाइप फकार के उसको खत्म कर देता है। और वही बलौदा बाजार में हुआ, जब एक महीने पहले घटना हुई थी, सतनामी समाज जा रहा था, उन्होंने 3 फर्जी लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट से जमानत करा के उन्हें फरार बता दिया। तब सतनामी समाज उद्वेलित हुआ, वहां आंदोलन करने के लिए गया, पर वहां के अधिकारियों ने, मुझे तो षड्यंत्र की बू आती है कि वहां अधिकारी क्या चूड़ी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, बाहर के लोग आकर, मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आती है। शासन प्रशासन ने उसकी समय के अनुसार सूद नहीं ली, विधिवत उसको अगर संतोषपूर्वक कार्रवाई हुई होती तो आगे ये घटना नहीं बढ़ती। और जिस प्रकार से जो आधुनिक घटना हुई इसमें कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश में सरकार स्थापित हुई है, यहाँ पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ी है, चाकूबाजी घटनाएं बढ़ी है, बिलासपुर रायपुर मुख्य रूप से बिलासपुर आपका न्यायधानी है, रायपुर राजधानी है, वहाँ भी आप देख लीजिए किस प्रकार से घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। सूरजपुर के भैयाथान में महिला बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जनदर्शन शिविर लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। क्षेत्रीय कार्यालय अटल सेवा सदन भैयाथान में जनसुनवाई में भटगांव विधानसभा के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। लगातार क्षेत्र में प्रवास के बाद, क्योंकि चुनावी समय था और चुनावी समय में अपने इस लोकसभा सरगुजा लोकसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिया गया था, तो हर जगह जाना हो रहा था चुनाव के दौरान। जैसे ही चुनाव यहाँ का बीता तो झारखंड में भेज दिया गया था जिम्मेदारी देके, और वहाँ के चुनाव के आने के बाद जनता के समस्याओं को सुनने के लिए विधानसभा से पहले आचार संहिता से पहले भटगांव विधानसभा स्तरीय अटल सेवा सदन भैयाथान में खोला गया था इसका ओपनिंग। छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित नंदन वन जू और सफारी का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने नंदन वन जू व सफारी स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी बिलासपुर ट्रांसलोकेट किए जाने हेतु रेस्क्यू वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे वहां करीब 150 हिरणों को छोड़ा जाएगा। इसके तहत मंगलवार को पहली बार में 42 हिरण को भेजा गया। भ्रमण के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने नंदनवन जू व सफारी के प्रयासों की सराहना की।